Palestine! ये हमारे दोनों अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत होंगे। तो माशाल्लाह से यार आप सब ने बहुत बहुत सपोर्ट किया, आप सबका दिल से शुक्रिया। और माशाल्लाह से आज 200 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे, माशाल्लाह से। तो आज आपका भाई रिस्क ले रहे हैं, आज थोड़ा आपका भाई ना कुछ बड़ा करने की सोच रहा था, तो आज मैं वही सीन कर रहा हूँ, आज माशाल्लाह से बड़ा करने की सोच रहा हूँ। तो माशाल्लाह से अस्सलाम वालेकुम सबको, क्या हाल चाल है आप सबके? तो माशाल्लाह से यार जो आज का सीन ऑन है वो जा रहे हम सब जेडी से, ऐसे ना जैद भाई, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत है ना? तो और बख्श भाई क्या हाल है आपके? तो माशाल्लाह से यार आज आपका भाई थोड़ा बड़ा सीन कर रहा है। तो माशाल्लाह से जैसा आप सब देख रहे हैं फलस्तीन के झंडे, और माशाल्लाह से 15-20 लोग भी जमा हो चुके हैं तकरीबन। तो माशाल्लाह से जेडी सी जाएंगे और वहाँ पे इंशाल्लाह फलस्तीन के हक में इंशाल्लाह नारे वारे लगाएंगे, ऐसे ना जैसे लगाओगे ना फलस्तीन के हक में नारे लगाएंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा तो हक बनता है आवाज़ उठाना, और हम आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह, तो देखते हैं हमें रिस्पॉन्स क्या मिलता है। फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। तो माशाल्लाह भाई फलस्तीन जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह से यार एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं अपना जेडीसी दस्तरखान, और माशाल्लाह से ये रहा दस्तरखान, और सारे ये देखो पहुंच चुके हैं। चलो भाई चलो अंदर हो चुके, आना भाई तू क्यों खड़ा हुआ, आ जा। माशाल्लाह से यार अभी हम पहुंच चुके हैं जेडीसी के अंदर, और माशाल्लाह से और जैद भी मजा रहे हैं, ये भी तो देखो भाई उसको तो नींद ही आती है, और बकाया माशाल्लाह से बख्श भाई इधर फोकस, मज़ा आ रहा है, इसको तो छोड़ ही दो, ये आज नाराज़ है मुझसे। और बकाया माशाल्लाह से यार आज आपका भाई कुछ अलग करके दिखाएगा इंशाल्लाह, कोशिश तो फुल है। झंडा भी देखो लेके आया हूँ साथ में, इंशाल्लाह जफर भाई भी आए हुए, तो देखते हैं कि अगर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ये माइक में जो अपने अल्फाज हैं फलस्तीन के हक में वो अदा करूँ, अगर माइक नहीं मिला तो इंशाल्लाह क्राउड आपके सामने। तो अगर माइक नहीं मिला तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी इंशाल्लाह वहाँ तक आवाज़ हम अपनी पहुँचाएँगे, और इंशाल्लाह हो सके तो पाबंदी भी लग सकती है, लेकिन खैर अल्लाह के आसरे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से यार जफर भी अपना बाहर आ चुके हैं, सही तो सामने खड़े हुए आवाम की बातें सुन रहे हैं, सही। तो आज इनके सामने मैं अपनी भी बात रखना चाहता हूँ, अपनी भी बात पेश करना चाहता हूँ कि ये भी मतलब बड़े फलस्तीन के हक में कि फलस्तीन की मदद करनी चाहिए। तो हम लोग मदद तो नहीं कर सकते, वहाँ जाने की हमें इजाज़त ही नहीं है, कम से कम हम आवाज़ तो उठा सकते हैं। तो अभी मैं इनके पास जाऊँगा जफर भाई के पास, इसको बोलूँगा भाई कि मुझे फलस्तीन के हक में नारे मारने दो, मुझे माइक दे दो, अगर इन्होंने हाँ कर दी तो इंशाल्लाह माइक के थ्रू हम नारे या अपना नारे वगैरह मारेंगे, अगर इन्होंने मना कर दिया तो इंशाल्लाह हम ऐसे ही खड़े खड़े यहाँ पे नारे मारूंगा इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं जफर भाई के पास, ये देखिए जफर भाई वो जा रहे हैं वापस, ये थोड़ी देर में आएंगे अभी वो इंशाल्लाह, देखते हैं। और जो मेहमान यहाँ आए हुए हैं उन सब की तिलावत करके उसके बाद तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद के लिए करवाते हैं। हमारे मजहब के मजदूर भाइयों को गैब से बच्चों की मदद मिले, जो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो।
कुछ नहीं। हमारे दरमियान फखरे पाकिस्तान हाफिज हैदर नकवी साहब मौजूद हैं, फखरे पाकिस्तान सेबा शहनाज साहबा मौजूद हैं, फखरे पाकिस्तान अफजल साबिर साहब मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा हारी वहीद जफर कासमी साहब से कि आज 11वीं सहरी की इस पुरानी फसल का तिलावत कलाम पाक से बाकायदा आगाज करें। मैं अपने वॉलंटियर से बोलूंगा सभी के पास जो लोग खड़े हैं तो आगे भेज दो, बहुत जगह है, ताकि जो दीगर लोग हैं उनके बैठने की जगह हो पीछे। इनसे भी रिक्वेस्ट करो भाई ताउन करें, हर एक के पास पहुंचती है सहरी, आपके वहां खड़े होने की वजह से लोगों को वयमनाउनल माउन वयमनाउनल होती है भाई। रमजान खत्म हुआ, उधर चांद रात का ऐलान हुआ, चांद का ऐलान हुआ और वही रूटीन हमारी अगले दिन से शुरू हो जाती है जो भाई रमजान से पहले थी। काश आज इसलिए नहीं है, कुरान में गौर व फिक्र की दावत दी गई है। आज उम्मत मुस्लिमा दूसरी अकवाम के मुकाबले में जो इतनी पस्ती का शिकार है, फलस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है और मुसलमान पौने दो अरब होने के बावजूद आपस में मिलकर कोई एक मोहतम पॉलिसी भी नहीं बना सकते, उसका एक सबब अल्लाह के कुरान के पैगाम से जुड़ी है। लेकिन तीन आयतें पहले आपको बता रहा हूँ कुरान कैसे हिदायत करता है। सुभान अल्लाह, दुआ करते परवरदिगार आलम आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। मैं गुजारिश करूंगा फखरे पाकिस्तान जनाब अफजल साबरी साहब से, और मैं गुजारिश करूंगा वॉलंटियर से पीछे जो गैप आ रहा है उसको कवर करें, थोड़ा तेज तेज करें, थोड़ा तेज तेज सर्विस करें, प्रैक्टिस कर लें, कल और परसों आपको बताएं फिर इससे डबल रश होता है, तैयारी कर लें। वॉलंटियर थोड़ी तेजी लेकर आए, थोड़ी तेजी लेकर आए, हमें इंतहाई अफसोस के साथ ये बात बतानी पड़ रही है। कल यहाँ पर एक कंपनी के 6 नौजवान जो थे वो सर्विस दे रहे थे, तो लाइव वीडियो में उनकी कंपनी ने जब उनको देखा कि वो यहाँ पर अपनी नौकरी के बाद लोगों में खाद तकसीम कर रहे हैं, तो बेचारों में एक दिन की तनख्वाह जुर्माने के तौर पर काट रही, तो मैंने उन नौजवानों को बोला वो आपको हम पे कर देंगे भाई, लेकिन देखें किस किस तरीके से खाना खिलाने वालों को तंग किया जाता है, आप सिर्फ ये देखें। और अभी जो आपने चीजें सुनी, पुरानी आयत सुनी, उनके तर्जुमे सुने, उनकी मफहूम सुने, परवरदिगार आलम क्या बोल रहे हैं, खाना खिलाओ, अच्छा खाना खिलाओ, ये बात हो रही है। और इधर अगर बेचारे थाल तकसीम कर रहे थे तो उसको भी तनख्वाह काटें, हमने अपना सियाज बुलंद किया। और एक दफा फिर मैंने, हमने पहले भी बोला कि हम फलस्तीन के मजलूमों के साथ हैं, हम गजा के मजलूमों के साथ हैं, हमारे दिल जख्मी हैं, हम जख्मी आलम में, हम उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, हम क्या कर सकते हैं, हम इंडिया में थ्रू सामान भेज सकते थे, अभी आखिरी सामान गया पानी के जहाज में, उसमें भी जैसे सामान भेजा है, लेकिन हम बहुत परेशान है, जिस तरह कतले आम हमारे मुसलमानों का वहां पर हो रहा है, गजा में हो रहा है, जितना सदाए मिजाज बुलंद करें कम है, हम जो कुछ उनके लिए कर सकते हैं, जो भी रास्ते में मिलेंगे हम करेंगे। मैं गुजारिश करूँ मतलब साबिर साहब से, अली 6 नंबर से आए। आपका नाम क्या है? नाम शायद आपका नाम अमरान अली। ये हमारे दोनों भाई यहाँ पर फलस्तीन के मजलूमों के हक में एहतजाज बुलंद कर रहे हैं और फलस्तीन का परचम लेकर खड़े ये एक नारा लगा रहे हैं, आप सबने जवाब देना, जवाब भी बता दो क्या देना।
तो फलस्तीन के बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं, फलस्तीन की माओ बहनों हम तुम्हारे साथ हैं, और फलस्तीन के शहीदों हम तुम्हारे साथ हैं। ये बोलेंगे फलस्तीन के बच्चों, आप सबने बोलना है हम तुम्हारे साथ हैं। फलस्तीन की माओ, मजलूम माओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फलस्तीन के शहीदों, हम तुम्हारे साथ हैं। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे कम से कम उन मजदूरों के हक में हम आवाज तो उठा सकते हैं भाई। ए फलस्तीन के बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं, ए फलस्तीन के बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं। भाई थोड़ा सा तेज बोलो। ए फलस्तीन के बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं, ए फलस्तीन के मजदूरों हम तुम्हारे साथ हैं, ए भाषा के मजदूरों हम तुम्हारे साथ हैं। आपके भाई ने इतने नारे लगाए, इतने कि आपके भाई ने फुल गला बैठ गया माशाल्लाह से। अभी भी शहजाद भाई फुल नशे में, और इंशाल्लाह नारे वारे लगाएंगे इंशाल्लाह बाहर चल के। तो बाहर चलते हैं, थोड़ा सीविन बनाते हैं। गला तो फुल बैठ चुका है यार, फुल। खैर जो भी, आपके भाई मेहनत कर रहा है, नारे वारे लगा। फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। माशाल्लाह से यार हमने तो नारे लगाए लगाए, एक भाई की मोहब्बत चेक करो भाई। हाँ ये देखो, ये भाई भी फलस्तीन के हक में नारे लगाना चाहता है। ये देखो अपना होटल पे, क्योंकि शहरी में काफ़ी कम टाइम रह गया, तो वहाँ पे तुमने कुछ खा पी लिया था, तो यहाँ पे राफे भाई तो हाँ थोड़ा बहुत तो चाय मंगा ली राफे भाई ने, क्योंकि इसके पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा है। तो माशाल्लाह से चाय भाई एक एक सबको दे दो। जी जी बोलें। ये तो भाई चाय पीते नहीं है, देखो आज स्ट्रिंग नहीं मिली तो इसने स्लाइस मंगा ली। ये अजीब ही बंदा है, इसलिए मैं ना इसे यार दिल कर रहा है कि दोस्ती खत्म कर दो। खैर कैमरा मैंने मेरा, फिर भी इसके साथ और कुछ चाहिए बताना।